हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर स्काई क्लासेस। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, तो आप लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा यदि आप इंडियन कोस्ट का डोमेस्टिक ब्रांच या जनरल ड्यूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके माय डियर, आप लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये लेक्चर जो मैंने थोड़ा लेट जरूर अपलोड किया है, लेकिन इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल समेटिक बात करेंगे। ओके माय डियर, ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इंडियन कोस्ट गार्ड GDDB बैच 2021, मतलब अब आपका जनवरी में जो बैच आया है ना, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच के भी एक मंथ पहले भी आपके फॉर्म आए थे, जिनका आपकी मतलब एडमिट कार्ड आ चुका है और उनका जो है एग्जाम जनवरी से। लेकिन आपको पता कि पुनः तीन दिन पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने पुनः अपने फॉर्म को निकाला है, वो GDDB और यांत्रिकी तीनों के फॉर्म यहाँ पर निकाले हैं। ठीक है माय डियर, तो अब बहुत बड़ा बदलाव किया है। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा मैं चाहते थे और जैसा आप लोग भी चाहते थे, वैसा ही इन्होंने यहां पर बदलाव किया है बहुत समय के बाद। वो बदलाव क्या किया हमारे स्टूडेंट, देखिए आपको पता है कि जैसा मैंने कल ही आपको बताया था कि काफी स्टूडेंट की परसेंटेज के कारण उनका एडमिट कार्ड नहीं आता था, निराश होते थे, बिल्कुल गलत था ये, बिल्कुल एक गलत तरीका था कि स्टूडेंट को परसेंटेज के कारण उसको मतलब एग्जाम में बैठने को नहीं मिलता है। लेकिन अब कोस्ट गार्ड ने इस पॉलिसी को हटा दिया है, मतलब अब जो आपके जो जनवरी में जो आपका एग्जाम, मतलब जनवरी में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आए, जब जनवरी से आपका मतलब आवेदन स्टार्ट होगा, तो वहाँ से अब क्या होगा कि अब ये पॉलिसी खत्म होगी। मतलब अब आप तैयार हो जाइएगा कि 100% आपको एग्जाम में बैठने को मिलेगा यदि आपकी 50% से अबव है। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट हो जिसकी 50% से भी कम होगी। ठीक है माय डियर, तो आज हम लोग बहुत अच्छे से बात करें, क्यों, क्योंकि कोस्ट गार्ड ने बहुत बड़ा बदलाव किया है सिलेबस पैटर्न को भी लेकर। इन्होंने पेपर पैटर्न को, पूरे सिलेबस को मतलब बिल्कुल चेंज कर दिया है, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव किया है। क्योंकि हम किसी बात एक जानते हैं कि जब भी हम किसी भी एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो तब तक हमें नहीं करनी चाहिए जब तक कि उसका सिलेबस ना पता हो। यही रीजन था एक दिन के बाद मैं इस लेक्चर को ले, ये लेक्चर मुझे कल ही पढ़ाना चाहिए था, मतलब अपलोड करना चाहिए था आपको इन्फॉर्मेशन देने, लेकिन नहीं, मैं आज दे रहा हूँ क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जब मेरा क्लियर हुआ तभी मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके माय डियर, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी की फिर से फॉर्म आए, आप सभी लोग भरिएगा। देखिए बहुत निराश हैं, क्यों, क्योंकि उनका भी जस्ट हाल ही में एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो अब निराश होने की जरूरत नहीं, अब आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा। ओके माय डियर, अब मैं बात करता हूं यहां पर, देखिए आपको जैसा कि पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड, मैं केवल जीडी और डीबी की बात करूंगा यहां पर, केवल जीडी और डीबी की बात, जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच की बात करूंगा, यांत्रिकी की यहां पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यांत्रिकी का यहां पर नहीं पढ़ाता हूं। ओके माय डियर, मैं केवल उसी की बात करता हूं जिसकी मुझे नॉलेज है, जिसकी मैं यहां पर टीच करता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है बेटो को स्टार्टिंग से एंड तक जो दिखेगा है ना, ऑनलाइन फॉर्म आपका जो माय डियर स्टूडेंट 5 जनवरी 2021 से स्टार्ट है एंड 21 से कहाँ तक है ये आपका रहेगा 19 जनवरी 2021। हम कह सकते हैं कि 19 जनवरी तक आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म मतलब होगा माय डियर, तो 19 तारीख तक आप अपने फॉर्म को कंप्लीट करिए सबसे पहली चीज़। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर साइट ओपन होगी, मैं आपको फिर से बता देंगे है ना कि साइट जो है कि कब आपकी ओपन हो रही, क्योंकि अभी आप काफ़ी टाइम पड़ा हुआ, तो हमको फिर से बता देंगे जब जैसे ही 5 तारीख आ गई पुनः हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, मतलब 5 तारीख से आपके आवेदन स्टार्ट है, अगली चीज़ क्या है, देखिए अब आपके यहाँ पर फीस भी रखिए, 250 रुपये OBC और जनरल की फीस, 250 रुपये ST एंड जो अदर जो उसमें आते हैं तो उनकी आपकी फ्री है। ठीक है, खैर ये तो एक बेसिक बात है जो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अब हम सिलेबस पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस की अगर हम बात करें, देखिए सिलेबस की अगर हम बेसिक बात करें, बहुत अच्छे से समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच वाले दोनों, मतलब स्टार्टिंग को आप लोग प्रत्येक पॉइंट को समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले देंगे किसको, सबसे पहले देखेंगे कोस्ट गार्ड डीबी वाले, डोमेस्टिक ब्रांच वाले बहुत अच्छे से माइंड, डोमेस्टिक ब्रांच में क्या परिवर्तन हुआ माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या, सिलेबस को माइंड करेगा, जो स्टूडेंट डोमेस्टिक ब्रांच में फॉर्म डालेगा वो 10th पास होना चाहिए, मतलब ये जो फॉर्म पड़ेगा ये 10th पास आउट पड़ेगा। आप 10th पास आउट करेंगे तो 10th पास आउट वालों का ये फॉर्म पड़ेगा, कौन था, किसमें, डीबी में, डोमेस्टिक ब्रांच में। ओके, अब आइए बात करते हैं सिलेबस की, देखिए सिलेबस की अगर यहाँ पर बेसिक बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो आपका जो पेपर है वो 60 मार्क्स का आएगा, कितने 60 मार्क्स का आएगा, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आपका 60 नंबर का पेपर आएगा। एंड टाइम की बात करें, यहाँ पर जो टाइम आपका होगा माय डियर वो आपका होगा 45 मिनट,
कितना आपका 45 मिनट का यहाँ पर टाइम होगा, 45 मिनट का आपका टाइम होगा, ठीक है। 60 नंबर का, 60 को मतलब मार्क्स का पेपर है और टाइम 45 मिनट है। एंड हम यहाँ पर बेसिक बात करें, जो क्वेश्चनों की संख्या है वो भी कितने क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 60, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का है, लेकिन टाइम देख रहे केवल 45 मिनट है आपके पास। पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट क्या है कि आपका जो 60 नंबर का पेपर होगा, टाइम आपके पास 45 मिनट का है, क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, 60 है। ओके मैं कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस की बात करें बच्चा, यहाँ पर सिलेबस में क्या कर, अब फिक्स हो गया कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का आएगा। सबसे पहले मैथ्स की बात करता हूँ, देखिए मैथ्स आपका जो आ रहा है, मैथ्स आपका 20 मतलब 20 नंबर का आ रहा है पक्का। एंड इसके बाद अगर बेसिक हम बात करें बच्चा, इसके बाद आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश है ना, इंग्लिश आपकी जो बच्चा 15 नंबर का आ रही है। कितने नंबर की इंग्लिश, 15 नंबर की आ रही है। एंड साइंस आपकी 10 नंबर की आ रही है। एंड यहाँ पर आपकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग आपकी 10 नंबर की आ रही है। एंड जो जीके है, क्या है, जीके आपकी आ रही है 5 नंबर की। मैं काउंट कर सकता हूँ यहाँ से, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 20, 30, 40 और 50 और 10 60, मतलब आपका टोटल कितना हो गया, टोटल आपका 60 हो गया, 60 को। ये तो सिलेबस रहा पक्का, पहली चीज़। अगली चीज़ मैं आपको बता दूँ माय डियर, अगली चीज़ आपको बता दूँ कि इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी पेपर। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दें, अभी देखिए एक हमें भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिलहाल तो 99% मैं श्योर हूँ। अभी जैसा कि पेपर की बात करें, तो मेरा जब मैंने इनका जो नोटिफिकेशन देखा था, जैसे इनका जो विचार था वो देखा, तो मुझे देख के कुछ ऐसा लगा कि पेपर में ये पेपर ऑनलाइन होगा, लेकिन माय डियर अभी स्टूडेंट फिलहाल ये रिटन एग्जाम ही दिखा रहे हैं कि इसका जो एग्जाम रिटन का मतलब होता है ऑफलाइन, मतलब अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑफलाइन पेपर होगा। कैसा, ऑफलाइन, अभी आपका जो एग्जाम होगा ऑफलाइन होगा, फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग, फिलहाल तो भी 15 से 20 दिन, फिलहाल मैं आपको फिर 100% बता दूंगा, 99% फिलहाल अभी जो है आपका जो है वो ऑफलाइन एग्जाम, क्योंकि उन्होंने सीधे बोल दिया कि एग्जाम आपका कैसा है, रिटन एग्जाम, मतलब सिंपल समझता है ना, लिखित का मतलब, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड ऑफलाइन होगा, ठीक है। नेगेटिव, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, ठीक है। इतना पॉइंट आपका क्लियर हुआ, आई होप कोई डाउट। ये केवल उन स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन है जो इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच की प्रिपरेशन मतलब फॉर्म डालेंगे, केवल डीबी के लिए जो 10th पास आउट हैं। और कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। सबसे पहले सिलेबस को बता दिया, और मैं आपको बता दें माय डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे लेक्चर को फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो, तो हम यहाँ पर केवल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, मैं यहाँ पर टीच भी करता हूँ। मतलब काफ़ी स्टूडेंट क्या होते हैं कि काफ़ी चैनल्स ऐसे जो केवल इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब वो टीचिंग नहीं करते। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं टीचिंग भी करता हूँ, किसी प्रकार से किसी लेक्चर से आपको मतलब आपसे एक भी रुपये नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको लेक्चर मिलते हैं, सॉलिड लेक्चर मिलते हैं एकदम दमदारी के साथ, विद कंसेप्ट एंड ट्रिक के द्वारा आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाते हैं, मैथ साइंस जीके एंड रीजनिंग के। ओके माय डियर, तो आप लेक्चर को जरूर देखें, प्ले लिस्ट में जाइएगा, चैनल पर विजिट करिएगा, ठीक है, यदि आप इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप, मेरे को नहीं लगता कि किसी प्रकार से आपका भी डाउट होगा, है ना। तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, बाकी डे बाय डे आपको अपडेट देते रहेंगे हम। एंड अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं जीडी की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीडी की है माय डियर, अब बात करते हैं हम लोग जीडी की, ठीक है। तो जीडी में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है, जैसा कि मैं यहाँ पे बताएंगे आपके लिए, तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, तो है ना, कि जीडी में क्या क्या बदलाव आए हैं, ठीक है माय डियर। तो बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करूँगा। तो माय डियर आइए बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। देखिए जीडी के लिए पॉलिसी क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी, मैं डायरेक्ट यहाँ पर डालता हूँ जीडी, टाइम थोड़ा इतना हम लोग बचत करेंगे। जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी, इंडियन कोस्ट गार्ड जनरल ड्यूटी, ठीक है, माइंड करेगा मेरी बात के लिए। सबसे पहला जीडी के लिए क्या है कि जीडी के लिए आप 10th प्लस 2 12th पास आउट होना चाहिए, मतलब आपने 12th किया हो, किसी भी बोर्ड से आपने 12th किया हो, विद पीसीएम ग्रुप, 12th विद पीसीएम ग्रुप एंड मिनिमम परसेंटेज 50% देख, 50 से तो मैंने बोला कि 50 से तो कम कहना कि कुछ नहीं है ना, तो मैंने क्या बोला कि 12th विद पीसीएम ग्रुप 50%, मतलब आपका जो मतलब आपने जो 12th किया है उसमें ऑल ओवर कम से कम 50% आपकी होनी चाहिए। लेकिन एग्जाम, क्योंकि हमें पता कि एडमिट कार्ड का कोई परसेंटेज से अंतर नहीं है, लेकिन अब इतना भी अंतर नहीं है कि वो 20% वाले को भी एंटर कर ले, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल मेरे को नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट की 50 से कम होगी, है ना। तो पहले पॉलिसी तो ये, मतलब अब इसमें एक बेनिफिट है जीडी वालों के लिए। देखिए जीडी वालों के लिए एक बेनिफिट यहाँ पर ये है कि अब इसमें देखिए बायोलॉजी वाला स्टूडेंट नहीं आएगा, आर्ट साइड वाला नहीं आएगा, है ना। तो कितनी बड़ी एक बेनिफिट मिला है कि केवल केवल पीसीएम वाला ही स्टूडेंट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है,
देखिए माय डियर, इसमें क्या है सबसे मेन डाउट यहाँ पर स्टूडेंट को समझने में आता है, बहुत बड़ा डाउट रहता कि इसमें मतलब इसमें क्या है जो अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेट है ना, माइंड करिएगा मेरी बात के लिए। देखो एक्चुअली इसके इसका एग्जाम दो सेक्शन में होगा, आपके दो एग्जाम होंगे। कितने एग्जाम होंगे माइंड का ना, अगर आपने जीडी का फॉर्म डाला है तो आपके दो एग्जाम होंगे। कितने? दो एग्जाम होंगे माइंड का ना। एक सेक्शन फर्स्ट होगा, सेक्शन फर्स्ट अगर आपने जीडी की, मैं केवल बात कर रहा हूँ माइंड का ना जीडी के लिए, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा, सेक्शन फर्स्ट मैंने बोला दो एग्जाम होंगे, तो सेक्शन फर्स्ट में क्या आएगा, दो पेपर होंगे, जैसे अपना नेवी का समझ लो, ठीक है। तो सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा, सेक्शन फर्स्ट में आपके जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो डीबी का है। मतलब हम कह सकते हैं कि सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो उसमें आपका 60 मतलब मार्क्स का पेपर होगा, माइंड का ना 60 मार्क्स का पेपर होगा एंड 60 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन होंगे एंड कितना टाइम होगा? 45 मिनट होगी। सबसे पहली चीज मतलब टेंथ स्टैंडर्ड का पहला सेक्शन में, मतलब पहला पेपर टेंथ स्टैंडर्ड का होगा माइंड के। मतलब अगर आप जीडी में फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको सेक्शन फर्स्ट में पहला एग्जाम, इसको बोलते हैं मतलब वो कह सकते हैं कि प्री मेंस कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर प्री मेंस कह सकते हैं, ठीक है। प्री आप इसको प्री समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप जीडी में फॉर्म को डाल रहे हैं तो पहले आपको इस एग्जाम को मतलब इस सेक्शन को देना पड़ेगा, मतलब इस एग्जाम को देना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेक्शन में आपका ये आएगा बेटा, जैसा आपका डीबी का था भाई, ठीक है। अब सेकेंड सेक्शन है, इसमें सम्मिलित सेक्शन है, सेक्शन सेकेंड। सेकेंड सेक्शन क्या है माइंड करेगा मेरी बात के लिए, सेकेंड सेक्शन में क्या होगा कि जो दूसरा पेपर आपका होगा अलग, दूसरे पेपर में यहाँ पर क्या होगा माय डियर, दूसरे पेपर में आपके 50 मार्क्स का पेपर होगा। कितने? 50 मार्क्स का पेपर होगा माइंड करना मेरी बात के लिए, 50 नंबर का पेपर होगा एंड क्वेश्चन की जो संख्या है वो भी आपके कितने 50 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, सेकंड पेपर में मतलब आपका जो मतलब सेकंड सेक्शन में आपका केवल दो सब्जेक्ट आएंगे बच्चा, वो आएंगे केवल फिजिक्स, वो आपका फिजिक्स आएगा एंड वो आपका मैथ्स आएगा। क्या आएगा? फिजिक्स एंड मैथ्स माइंड करना। तो फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे एंड 25 क्वेश्चन आपके किस में आएंगे बच्चा? मैथ में आएंगे। मतलब आपका ये जो पेपर है वो 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 50। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर टाइम जो है बच्चा, टाइम जो आपका है वो केवल 30 मिनट है। कितना है? 30 मिनट का टाइम है। तो इतनी बड़ी पॉलिसी यहाँ पर आ गई है। स्टूडेंट कह रहे 110 नंबर का पेपर का मतलब माय डियर स्टूडेंट दो सेक्शन में पेपर होगा आपका, है ना। दो सेक्शन मतलब आपको हाल ही में एक ही दिन पे दोनों पेपर होंगे, मेरी बात को फिर समझना। अब मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार से डाउट हुआ होगा, मेरे को नहीं लग रहा कि अब आप किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार से डाउट होगा। आई होप किसी प्रकार से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए। 50 नंबर में से पास आउट आपको 20 मार्क्स चाहिए हैं, OBC जनरल के लिए 20 मार्क्स चाहिए 50 में से एंड ST SC उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर 50 में से 20 नंबर चाहिए, बाकी उनको 17 नंबर चाहिए, ठीक है। जो SC ST में आते हैं उनको 17 चाहिए, OBC जनरल के लिए 50 में से 20 नंबर चाहिए। माय डियर आई होप किसी प्रकार से डाउट नहीं होगा। और मैं आपको बता दें कि इंडियन पोस्ट गार्ड जनरल ड्यूटी में भी किसी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब यहां पर भी आपका किसी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग नहीं, सबके सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, है ना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या टाइम का इशू है, टाइम का बहुत ज्यादा इशू। अब मैं यहां पर एक बात आपको और बता दें माइंड करना मेरी बात के लिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करेगा, डिस्कशन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पर व्हाट्सअप मैसेज छोड़ेगा। अगर कोई डाउट हो व्हाट्सअप मैंने नंबर दे रखा, किसी प्रकार से डाउट हो तुरंत मैसेज करेगा व्हाट्सअप पे, ठीक है। क्योंकि कॉल चुकी कॉल एकदम से मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी ढेर सारी कॉलें आती तो मैं खुद है ना ये है, वरना मैं अगर आप कॉल करोगे मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ऑफलाइन भी क्लासेस चलते हैं ना, तो ऑफलाइन क्लासेस के चलते हुए भाई 6 से 7 घंटे मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा इशू रहता है टाइम का, है ना। तो आप वरना अगर कॉल रिसीव नहीं तो आप थोड़ा निराश होंगे, तो इसलिए आप मैसेज किया करें, है ना पहले। हाँ ज़्यादा कोई अर्जेंट हो तो कॉल करने कोई इशू नहीं है, इतना निराश भी नहीं होने की जरूरत है मुझे। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट और बात करेंगे यहाँ पर, तो मेरे को नहीं लगता कि अब आपको किसी प्रकार से डाउट हो, जो नई न्यू पॉलिसी है ना पोस्ट कार्ड की, जो न्यू चेंजेस हैं, है ना, तो मेरे को नहीं लगता अब डाउट आपको होगा। चलो खाना कुछ इंपॉर्टेंट और बात करते हैं यहाँ पर हम। देखिए अब बच्चा यहाँ पर इन लोगों ने किया क्या, इतना हो गया, लेकिन मैं बेसिक बात करूँ, जो यहाँ पर मैंने बोला कि जीडी में जो आपका सेक्शन फर्स्ट में पेपर होगा वो बिल्कुल डीबी वाला सिलेबस ही डीबी का है, मतलब पूरा पैटर्न डीबी का है। अब ऐसा नहीं कि सर वहाँ पर डीबी पेपर सेम नहीं होगा, ठीक है, सिलेबस सेम है लेकिन पेपर सेम नहीं होगा, ठीक है। हाँ जीडी में मैंने जो सेक्शन सेकंड की बात की इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, मतलब सेकंड सेक्शन माइंड का ना, मैंने बोला इसमें फिजिक्स एंड मैथ्स आता है, इसके जो क्वेश्चनों की संख्या बच्चा वो कितनी 50 है। इसमें जो तुम्हारा फिजिक्स आएगा, क्या आएगा? फिजिक्स,
ये साइंस नहीं है, ये तुम्हारा फिजिक्स है। मतलब इसमें नहीं पूछेगा केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल केवल फिजिक्स के आएंगे। और ये फिजिक्स आपका आएगा 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का, माइंड करना मेरी बात के लिए। भाई इन्होंने बोला कि 10+2, अब ये मत कि केवल केवल 12th का ही सिलेबस पढ़ा, 12th का नहीं, 11th प्लस 12th का आपको फिजिक्स तैयार करना है। एंड बच्चा मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स भी आपका होगा 11th एंड 12th का, 11th एंड 12th का आपको मैथ तैयार करना, केवल 12th का नहीं, 11th एंड 12th का दोनों को आपको मैथ तैयार करना है। मेरी बात को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करना है ना, बहुत अच्छे से हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। 11th एंड 12th का मैथ आपको तैयार करना है, एंड 11th एंड 12th का मतलब आपको फिजिक्स और मैथ 11th 12th के तैयार करेंगे, यहीं से आएगा। अब मैं बताऊँ, काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पर ये डाउट है कि सर फिजिक्स की बात करें, देखिए चिंता मत करिएगा, फिजिक्स और मैथ का तो मैं ऑलरेडी एक कह सकता हूँ कि जो स्पेशलिस्ट हूँ मैं फिजिक्स और मैथ का ही हूँ, है ना। मतलब किसी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ फिजिक्स मैं कराऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्री आप कॉस्ट कराई जाएंगे, फ्री आप कॉस्ट आपको PDF मिलेगी। बस आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक स्टूडेंट के पास न्यू पॉलिसी की जो कंडीशन है सब पता लग जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट परेशान रहता है सिलेबस से रिलेटेड, तो मैंने इसलिए एक दिन के बाद वीडियो बनाई, लेकिन चूंकि अब आपको सब पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक है। मेरी बात को क्या मैं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो फिजिक्स है बच्चा, फिजिक्स में अगर हम बेसिक बात, इसमें थ्योरेटिकल मतलब न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। जैसे क्या होता है कि स्टूडेंट केवल थ्योरेटिकल पढ़ता है, थ्योरी रट्टा मालूम है, थ्योरी नहीं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। अब वो कितने न्यूमेरिकल दे रहा है, 25 में तो 25 न्यूमेरिकल दे रहा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने न्यूमेरिकल दे रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स भी आपके यहां पर पूछे जाएंगे। अब क्या है अगली चीज, क्या माइंड करना मेरी बात के लिए। देखिए अभी तक क्या होता था कि आपका जो भी, अब मैं उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि जो बात गई वो गई है, उसको छोड़ो, क्योंकि वो मेरे भी मतलब मेरे भी अकॉर्डिंग वो ठीक रूल नहीं था, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, मतलब आपका एग्जाम जनवरी में फॉर्म आएगा, मार्च में एग्जाम, बच्चा जनवरी से मार्च, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा टाइम है आपके पास कि इतना ज़्यादा अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा, हमारे चैनल से अच्छे से जुड़े रहिएगा सुपर स्काई क्लासेस से, तो पॉइंट टू पॉइंट आपका मतलब यहाँ पर टीचिंग भी होती है ना, नहीं कि केवल आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, जैसा कि मैं प्रीवियस बता चुका हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे, तो एग्जाम देने जाने के बाद अब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी फिलहाल ले जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं तब भी आपको इन्फॉर्मेशन और दे दूंगा, अभी तो टाइम है आपके पास। जब आप एग्जाम सेंटर हाल में जाएंगे, तो वहां पर एग्जाम देने के बाद आप चले आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका रिजल्ट शो होगा, आपका रिजल्ट शो होगा sarkarerail.com पे, वहां पे आप 15-20 दिन के बाद आपको जो भी रिजल्ट उसका आएगा, डेट दी होगी वहां पे, आप क्लिक करने के बाद आपको जो रिजल्ट है ना, वो आपकी साइट पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अभी तक क्या हुआ करता था, अभी तक जो तुम्हारा फिजिकल था वो उसी दिन होता था, लेकिन अब जो तुम्हारा फिजिकल है वो उस दिन नहीं होगा। आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद फिर आपको मेल या किसी प्रकार से आपको मेल किया जाएगा, उसके बाद आपको जो फिजिकल की डेट है वो अलग मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जब आप फिजिकल में जो है पास हो जाएंगे, उसके बाद मेडिकल के लिए आपको अलग बुलाया जाएगा, जब मेडिकल आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल कट ऑफ आपकी अलग अलग के, फिर आपकी सिलेक्शन होगी। मतलब अब जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप उन्होंने यहाँ पर कि सब अलग अलग प्रोसेस कर दी, ठीक है। अभी तक क्या होता था, एग्जाम दिया फिजिकल, अब थोड़ा बेनिफिट हुआ, देखिए यहाँ पर लॉस किसी प्रकार का नहीं है, यहाँ पर उन स्टूडेंट के लिए गोल्डन चांस बना, जो स्टूडेंट पिछले दो तीन सालों से परसेंटेज के कारण उनका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा था, ये उनके लिए गोल्डन चांस है, अब अच्छे से लग जाइए। अगर जिस स्टूडेंट का लास्ट अटैम्प्ट है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हमारे हैं जिनका केवल लास्ट अटैम्प्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान, एक्चुअली उनके पास टैलेंट है, ब्रिलियंट माइंड है, लेकिन परेशानी कहां पे, उनका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, तो अब डरने की जरूरत नहीं है, है ना। ऊपर वाला मेहरबान है भी हमारे ऊपर, है ना, तो क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि आपको जो है एक चांस मिला, जिनका लास्ट एडमिट, वो 100 बार ऊपर वाले को धन्यवाद दे तब भी कम है, क्योंकि आपको मौका मिला है। अब एडमिट कार्ड आएगा, नो डाउट, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अब तुम्हारा केवल एक ही टारगेट है तैयारी करने का। बात रही यहां की, यह तैयारी करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कैसी प्रिपरेशन कराऊंगा, लगातार पिछले 2 सालों से तैयारी करा रहा हूं, तो हम आगे लगातार इसी तरह से कराते रहेंगे, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा, तो इसी तरह से कराता रहूंगा, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि अब किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट होगा। अब हम लोग तैयारी, अब हम लोग कल से बैच स्टार्ट करते हैं और बाकी DB वाले जो स्टूडेंट जिनका एडमिट कार्ड आ गया है ना, वो तो अच्छे से लगातार तैयारी करते रहे, क्योंकि वो अपना मौका ना गवाएं, और जो भी है अच्छे से आप अच्छे से मेहनत करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट हो, तो अगर किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जिसके बारे में आपको बताया नहीं। ओके माय डियर, तो आई होप आपको बहुत ठीक लगा हो, क्योंकि मैंने अपने तरफ से जितना भी प्रोवाइड कराया ठीक ही प्रोवाइड कराया है मटेरियल। तो अब हम लोग मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। ओके माय डियर, तो जय हिंद, जय भारत।